आज जो टॉपिक रहेगा अपना कौन सा, क्रिया शुरू करते हैं। हाँ, वर्ब बोल लो भाई। हिंदी आए न आए, अंग्रेजी की टांग जरूर तोड़ेंगे हैं। देखो, क्रिया जो है ना, सबसे पहले ध्यान दो, संस्कृत के हिसाब से हम देखें तो क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, उस क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई? धातु कहते हैं ना। अभी जो धातु होती है ना, इस धातु में आप लोग जोड़ सकते हो क्या? ना। और धातु में जैसे ही आप ना जोड़ोगे तो निर्माण किसका हो जाएगा? क्रिया का निर्माण। तो हम कह सकते हैं धातु में ना जोड़ने पर किसका निर्माण हुआ? जैसे अपन देखें, धातु कौन सी है? लिख। और लिख धातु में क्या जोड़ेंगे? तो बताओ क्रिया क्या बन जाएगी? लिखना। ठीक है। चल धातु है ना, क्या बन जाएगा? चलना। अब सो धातु है तो क्या हो जाएगा? अब सोना है ना, अब धातु भी तो होती है ना, होती है क्या? अब इससे हमें एक चीज देखना है कि अगर उससे किसी काम का करना, किसका? अब इसको अगर हम सोने के रूप में लेंगे ना, स्लेप। हाँ हाँ तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं, है ना? तो सोने के अर्थ में अगर लेंगे क्रिया के रूप में, तब तो वो क्या होगी? क्रिया, काम के रूप में। लेकिन अगर इसको हम धातु के रूप में लेंगे तो, हाँ, गोल्ड। गोल्ड क्या बनेगा फिर? वो कौन सी संज्ञा बताओ? जातिवाचक। अरे, तुम्हारा धातुओं का नाम है वो पदार्थवाचक द्रव्यवाचक में आता है। हैं? पदार्थवाचक द्रव्यवाचक नहीं होता क्या धातु? अच्छा, तो इसलिए देखो, ध्यान रखना। अब इसकी परिभाषा हम एक सीधे रूप में निकाल सकते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। तो ये तो है देखो एक बेसिक बात। फिर इसे हम दो भागों में बांट देंगे। कितने में? दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से दो भाग बताओ? अरे नहीं, तुम तो बस यही जानते हो, सकर्मक और अकर्मक है, बातें नहीं। देखो, एक बार क्रिया को दो भागों में बांटेंगे, एक तो किसके? कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर है ना, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा और दूसरा कौन सा? ये तो इसके भेद है भाई, सकर्मक और अकर्मक। दूसरा है ना, वो रहता है किसके? प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर, ये इसका दूसरा भेद रखेंगे। देखो, इसके आधार पर एक तो होती है आपकी कौन सी? सामान्य क्रिया। दूसरी होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तीसरी होती है संयुक्त क्रिया। चौथी रहती है सहजातीय क्रिया। देखो भाई, ये चार तो ऐसी हैं जो सह से शुरू हुई है। ध्यान दे सकते हैं किससे शुरू है? पहली कौन सी? सामान्य क्रिया है ना। दूसरी
सहायक क्रिया, तीसरी संयोग क्रिया और चौथी, तो ये चार तो सैसे से हो गई। पांचवी एन वो पैसे रहेगी, पूर्वे कालिक क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया और अच्छा अपन ऐसे तो फिर पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं। छठा रहेगा कौन सा, ये दो हैं, ये किससे है, पे पैसे हैं। और सातवा जो है वो रहेगा आपका कौन सा, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और आठ भी रहेगी आपकी अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। देखो इस तरह से दो भेद तो ये हो जाएंगे और आपके आठ ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पढ़ना है हमें, तो अब इसमें एक बार यहां तक लिखते हैं। देखो हेडिंग बना लो क्रिया, पहले परिभाषा लिखो फटाफट। हाँ बना लो आराम से, कोई नहीं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहा जाता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, धातु में ना जोड़ने पर, धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे ये उदाहरण है ना, ये लिख लो अब, जैसे धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, जैसे ये दो तीन उदाहरण है, ये लिख लीजिए, लिख लिया होगा। अब इसके बाद में ये डायग्राम बना लो ऐसे, कैसे लिख लिए होंगे अब तो। अच्छा देखो, अब हम सबसे पहले कौन सा कर्म के आधार पर ये पढ़ते हैं। देखो हेडिंग बना लो, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखो इसमें दो भेद कर देंगे, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरा कौन सा, अकर्मक क्रिया। अब लिखने की बजाय एक बार थोड़ा सा ध्यान दे ले फिर लिख लेना। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सी, भाई सकर्मक क्रिया। देखो नाम से हमें एक चीज पता चल रहा है कि यहां हमें कर्म के आधार पर बांट रहे हैं अपन,
तो बताओ इसमें कर्म दिखाई दे रहा है? कर्म इसके पहले लगा है क्या? सह का मतलब होता है साथ। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, जिस क्रिया के साथ में क्या होगा, जिस क्रिया के साथ में कर्म आता है ना, उसे तो हम क्या कहेंगे? सकर्मक। सेम उसी तरह से यहां दिख रहा है अपने को कर्म, लेकिन क्या लगा है अब की बार? ए का मतलब नहीं, जैसे सत्य असत्य, तो असत्य का मतलब क्या हुआ? जो सत्य नहीं है, तो ए का मतलब नहीं। तो सिंपल है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो सकर्मक, जिसके साथ कर्म नहीं हो अकर्मक, ठीक है ना। तो ये परिभाषा हो गई। तो अब दोनों में हमें छांटना है कर्म को। किसको छांटना है? अब मूल बात तो यही हुई ना कि कर्म है या नहीं है, तो पहचान करनी पड़ेगी आपको कर्म की। तो कर्म पहचान करना आना पड़ेगा। देखो पहले हम कर्म को ही देखेंगे, ध्यान दो। अरे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं यू आप, तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, वॉइस हो लिया क्या टॉपिक? अच्छा वॉइस वाला टॉपिक हो गया, तो उसमें आपने देखा होगा कर्म कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो होते हैं। हाँ तो देखो सीधा क्या और किसको पहुंच जाओ हैं? देखो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कर्म है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है देखो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो प्रत्यक्ष कर्म, और एक होता है क्या? अप्रत्यक्ष कर्म। दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब जो ये प्रत्यक्ष कर्म होता है ना, ये होता है निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव होता है भाई। और अप्रत्यक्ष होता है, वो होता है क्या? सजीव। इतना ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष कर्म कैसा होता है? निर्जीव। और अप्रत्यक्ष कर्म कैसा होता है? सजीव। अब जो ये निर्जीव वाला होता है ना प्रत्यक्ष, इसको आप लोग प्रधान कर्म की श्रेणी में रखते हैं। किसकी में? प्रधान कर्म कह दो या मुख्य कर्म कह दो, प्रधान कर्म या मुख्य कर्म। जबकि जो ये अप्रत्यक्ष वाला होता है ना, इसको हम रखते हैं गौण कर्म की श्रेणी में। कैसा? अब प्रधान और गौण क्या होता है बताओ? जिसका महत्व कम है वो क्या है? गौण। और जिसका महत्व ज्यादा है वो क्या है? प्रधान कर्म है। तो इस तरह से हमें पता चला दो प्रकार के हो गए। अब पहचान की अगर बात करें ना, तो ये जो प्रधान कर्म होता है, प्रश्न करना होगा क्या से, और क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा ना वो क्या रहेगा? प्रधान कर्म बोलेंगे उसे, ठीक है। और किसे, या फिर कह दें किसको, किसे या किसको से प्रश्न करेंगे तो फिर आपका कौन सा कर्म आएगा? गौण कर्म आएगा। तो इस तरीके से हमें ये कर्म छांटने हैं। जैसे अब एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ाता है। देखो भाई, अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाता है। जैसे ये वाक्य हमने रखा है, इस वाक्य में सबसे पहले आपको क्रिया छांटनी है। तो क्रिया तो कौन सी हो गई? ओके, क्रिया हो गई। अब क्रिया से हमें ये देखना है, पहले तो प्रश्न क्या लगाना है? क्या? तो आप कहेंगे क्या पढ़ाता है बोलो?
तो इसका मतलब पुस्तक है क्या से प्रश्न करने पर उत्तर आया क्या, तो कैसा कर्म हुआ बोलो, तो ये हुआ प्रधान कर्म, प्रधान कर्म हो गया। फिर दूसरा देखो किसको पढ़ाता है, तो देखो किसको से प्रश्न किया ना, तो यहां पर हमें जो ये दिख रहा है ये कैसा कर्म है बोलो, गौण कर्म। एक बात मैंने आपको और बताई कि जो प्रधान कर्म है वो कैसा होता है, निर्जीव। तो बताओ यहां पुस्तक निर्जीव है क्या, निर्जीव है ना, और देखो गौण कर्म कैसा है बोलो, तो विद्यार्थी बोलो सजीव है। तो इस तरह से ये पहचान करनी है, तो इसमें दोनों कर्म हो गए कि नहीं हो गए, तो ऐसे कर्म को अपने को छांटना पड़ता है। छांट सकते हो अब, तो एलडीसी में एक प्रश्न आया था आपको बता दूं, गौण कर्म और प्रधान कर्म की स्थिति होती है, तो स्थिति में ध्यान रखना जो क्रिया के समीप रहता है ना वो कैसा होता है, प्रधान, और प्रधान कैसा होता है, निर्जीव। तो ये जो प्रधान कर्म है वो क्रिया के पास रहता है, जबकि जो गौण कर्म होता है वो क्रिया से दूर होता है। ध्यान रख लोगे इतना, तो ये वाक्य से ही आप लगा सकते हो, तो उससे पता लग जाएगा कि भाई कौन सा पास है और कौन सा दूर है, तो ऐसे बनेगा। तो ये एक बार यहां तक लिखेंगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हेडिंग डाल लो, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दोनों भेद लिख लो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर हेडिंग डाल लो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहले परिभाषा लिखेंगे सकर्मक क्रिया की। हाँ रुक रहा हूं, आप इतनी देर में तो लिख लेते हैं। हाँ बता देना। चलने थे अब, चलो तो लिखो भाई, सकर्मक क्रिया डाल लिखो, जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है या संभावना होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है या संभावना होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है या संभावना होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब पहले आप लोग ये कर्म लिख लो, फिर उदाहरण देखेंगे, और ऐसे कैसे लिख लो ये तो।